हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में कोरोना, प्रदेश में 2919 नए पॉजिटिव मरीज। प्रदेश में मंगलवार को 2919 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जिला शिमला की 2 महिलाएं, जिला ऊना सोलन की एक एक और जिला मंडी के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। सीआईडी और विभिन्न विभागों में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद अब मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हेल्पलाइन के शिमला स्थित कार्यालय में 5 टेलीकॉलर कोरोना संक्रमित पाए गए। जिला पॉजिटिविटी कांगड़ा 594, शिमला 507, सोलन 455, मंडी 437, हमीरपुर 264, ऊना 163, सिरमौर 137, बिलासपुर 129, कुल्लू 126, चंबा 64, किन्नौर 34, लाहौल स्पीति 9। हिमाचल में 10 रुपए बढ़ गए सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लगा। सीमेंट कंपनीज ने प्रदेश भर में सीमेंट के दामों में एकाएक बढ़ोतरी कर दी। एसीसी, अल्ट्राटेक व अंबुजा सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए गए। रविवार से दामों में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। ऐसे में नए आशियाने बना रहे लोगों का बजट एकाएक बढ़ गया। सीमेंट विक्रेता सतपाल एंड कंपनी के संचालक सतपाल ने बताया कि एसीसी सीमेंट के दाम पहले 410 से 415 रुपए प्रति बैग थे, जो अब 420 से 425 रुपए प्रति बैग हो गए हैं। ओमिक्रॉन, हिमाचल में 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 6 पहुंची कुल संख्या। हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 और मामले सामने आए। इनमें से मंडी में 2 व्यक्तियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, दोनों ऑस्ट्रेलिया से मंडी लौटे थे। वहीं कनाडा से कुल्लू लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि एनएचएम निदेशक हेमराज बेरवा ने की। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। सरकार ने विदेशों से हिमाचल लौटे 29 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे थे। इसमें विभाग को 13 सैंपल की रिपोर्ट मिल गई। ऊना के 2 लोगों समेत 16 लोगों की रिपोर्ट 4 दिन के भीतर आनी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये लोग होम आइसोलेटेड रहेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को विदेश से लौटने वालों के अलावा हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के भी सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजने को कहा। उधर ऊना जिले में सोमवार को ओमिक्रॉन वेरियंट के 2 मामले सामने आने के बाद संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए करीब 16 लोगों के सैंपल लिए गए, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम जयराम बोले, कोरोना मामले बढ़ते रहे तो 2-4 दिन में करेंगे और भी सख्ती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है। यही परिस्थिति रही तो 4 दिन में बंदिशें बढ़ाने पर विचार करेंगे। हालांकि सीएम ने प्रदेश की सीमाओं पर सख्ती पर हामी नहीं भरी और कहा कि आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि सीमाओं पर बंदिशें बढ़ाई जाएं। सीएम ने मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ शिमला के परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना से मौतें बढ़ी हैं, सरकार इससे चिंता में है। सीएम ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। कुलदीप राठौर बोले, सरकार और कंपनीज की साठगांठ से बढ़ रहे हैं सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ते सीमेंट के दामों पर कहा कि साठगांठ के चलते सरकार जानबूझकर लोगों को महंगा सीमेंट खरीदने को मजबूर कर रही है। जयराम सरकार ने सीमेंट कंपनीज को प्रदेश में लोगों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। पुलिस कर्मचारियों की मांगों पर अब तक कोई निर्णय न ले पाना सरकार का उनके प्रति संवेदनहीनता दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को यहां कहा कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सीमेंट 50 से 60 रुपए प्रति बैग लोगों से वसूले जा रहे हैं। हिमाचल के स्वच्छ आबोहवा की कीमत पर बनने वाला सीमेंट प्रदेश के लोगों को महंगी दरों पर मिले, ये प्रदेश के लोगों के साथ लूट है। कांस्टेबल्स ने कमांडेंट से लेकर डीजीपी को भेजे मैस बहिष्कार के पत्र। संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पूरी न होने तक पुलिस मैस के खाने का बहिष्कार करने पर अड़े कांस्टेबल्स ने अब बटालियंस के कमांडेंट से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को पत्र लिख दिया। सभी को पत्र भेजकर खुलेआम खाना न खाने की जानकारी दी जा रही है। यह कदम कांस्टेबल्स ने तब उठाया जब पुलिस मुख्यालय के मौखिक आदेश पर कमांडेंट मैस बहिष्कार की रपट नहीं डालने दे रहे थे। बजट बंटवारे में भेदभाव के आरोप पर जयराम का कांग्रेस पर निशाना।
बजट बंटवारे में भेदभाव के आरोप पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठक में तय प्रारूप पर ब्यौरा मांगा जाता है, वे इंगित करते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सड़क, पानी और भवनों की प्राथमिकताएं मांगी जाती हैं। विधायकों के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को दो सड़कें प्राथमिकता की मिलती हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी दो ही मिलती हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उनके क्षेत्रों को बजट नहीं मिल रहा है। हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, प्रदेश में 131 सड़कें अभी भी हैं ठप। ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर 21 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार दोपहर को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 18 से 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी भागों में 20 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 22 जनवरी को प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा और बारालाचा समेत ऊंची चोटियों पर सोमवार रात से ताजा बर्फबारी हुई, जिससे सोलंग नाला से आगे लाहौल के सिस्सू तक वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। 40 बस कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव, बदल सकती है टिकट काटने की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कंडक्टर लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इनकी संख्या 40 हो गई। अब कंडक्टर सवारियों के पास टिकट काटने से कुरेज करने लगे हैं। अब प्रबंधन सवारियों के टिकट काटने की व्यवस्था बदलने पर विचार कर रहा है। इसमें कंडक्टर पहली सीट पर बैठेगा, खिड़की से सवारियों के टिकट बनेंगे। 26 जनवरी के बाद भी हिमाचल में स्कूल खुलने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूल्स के 26 जनवरी के बाद भी खुलने के आसार कम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग छुट्टियां बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। 26 जनवरी के बाद दो सप्ताह और शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। इसी सप्ताह के अंत तक इस बाबत फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दो विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। 16 विभिन्न पोस्ट कोड के मूल्यांकन, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट का संशोधित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 10 जनवरी को स्थगित 16 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं, स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा का अब संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। पूर्व में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने यह शेड्यूल स्थगित किया था, लेकिन अब आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है। आयोग के सचिव डॉ जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अब पोस्ट कोड 850 प्रयोगशाला सहायक व डीएनए, पोस्ट कोड 852 साइंटिफिक असिस्टेंट एवं फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पोस्ट कोड 855 लैब असिस्टेंट एवं डिजिटल फॉरेंसिक, पोस्ट कोड 856 साइंटिफिक असिस्टेंट व वॉइस एनालिसिस, पोस्ट कोड 902 साइंटिफिक असिस्टेंट व केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी की मूल्यांकन परीक्षा 27 जनवरी को होगी। सिरमौर में अब ये काम नहीं कर सकेंगे लोग, प्रशासन ने लगाया पूर्णतः प्रतिबंध। जिला सिरमौर में बीते 10 जनवरी को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी आदेशों की निरंतरता में मंगलवार को जिलाधीश सिरमौर राजकुमार गौतम ने बताया कि जिले में अब सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोह एवं विवाह प्रथा अंतिम संस्कार में कुल क्षमता का 50% अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे, जबकि खुले में स्थान की क्षमता का कुल 50% अथवा अधिकतम 300 व्यक्तियों को एकत्र होने की अनुमति होगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।